पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या ये साल हमारे लिए अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है? आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो। गए घर पे, बैठे थोड़ा देर, और अभी आ रहे तो बारिश हो रही है। क्या फालतू गिरी। डोंगर तर दिसतच नाही आहे, बरोबर पाऊस पडत आहे। इट्स रेनिंग गाइज, इट्स 4 जनवरी और ये रात के टाइम कितना 12 बज के गए, मतलब 5 जनवरी चालू हो गई है और बारिश हो रही है। व्हाट द हेक इज हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है, कोई भी सीजन में कुछ भी हो रहा है बोल नहीं सकते भाई। कभी भी बारिश गिर रही है, दिसंबर के बाद जनवरी में कभी मैंने बारिश नहीं देखी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, कहाँ से दिखेगा, इतना अंधेरा है कहाँ से दिखेगा रात का टाइम है। ऑब्वियसली एक मिनट ट्राई करता हूँ, अगर आपको दिखे, नहीं दिखेगा। सो गाइज, अभी 5 जनवरी है, 5 जनवरी रात के 12 बज के गए हैं, 4 जनवरी की रात है, तो 5 जनवरी ही हम लोग इसको मानेंगे। और बारिश हो रही थी, अभी जस्ट स्टॉप हुई थोड़ी देर के लिए, पता नहीं वापस गिरेगी कि नहीं। और वापस ठंडा होने लगा है, इसकी वजह से बाहर ठंडी पड़ गई है बारिश की वजह से। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या ये साल हमारे लिए अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है? आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई है, क्या हो रहा है भाई पता ही नहीं चल रहा। चलो कल मिलते हैं। हेलो, कैसे हो सब लोग? आज है, क्या है आज? 5 जनवरी। आपने रात में देखा बहुत सारी बारिश हो रही थी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वेलकम बैक टू द व्लॉग, कैसे हो सब लोग? ये लोग देख रहे हैं बिल्लियों के, ये जो बोलते हैं कार्ड, ये वीडियोस होते हैं, वही सब देखना पसंद है इन लोगों। ये देखो, देखो बिल्ली कुत्ता बहुत पीछे लगते हैं मेरे के, मेरे को ला दो। क्या है, इनके मौसी के लड़के के पास है बिल्ली, तो वो लोग परी वहाँ पे रही है, तो उसको कुछ ज़्यादा ही पॉन्ड अप हो गई है कि उसको बिल्ली चाहिए, उसको पसंद है। उनको बोलता हूँ यार वीडियो देख लो, वीडियो देख के मजा कर लो, क्या बोलते हो, है कि नहीं? और आज अपनी शूट होने वाली है गाने की, जो भी है उसको आज फाइनलाइज करके और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने को, तो थोड़ा बहुत BTS डालूंगा, थोड़ा बहुत, सब नहीं क्योंकि वो मेन कंटेंट गाने का है। तो आप जब गाना आए, मेरा पूरा फाइनल हो जाएगा तो मैं ब्लॉग में बता दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। गाने का मैं लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तब तक अगर आपने मेरे पुराने वाले गाने नहीं देखे हैं तो मैं उन गानों का लिंक नीचे डाल देता हूँ। सुयोग शिलवंत ऑफिशियल चैनल है, जाओ उस पर जाके चेक करो, बहुत अच्छे गाने बने थे वो। और आउटडोर शूटिंग हम लोग ने बहुत यूनिक तरीके से उसको ट्राई किया था हम लोग ने दोनों भी, एक वो हिसाब करके गाना है उसका और दूसरा क्यों तेरी याद आएगा, प्लीज़ जाके चेकआउट करो। फिर तू लगा बोला थे ओके, जेवली तू? हाँ मैं जेवली। तू जेवली? मैं भी जेवली, तुम भी जेवली? सिर्फ मैंने नहीं खाना खाया। सो वेट के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि मेरा वेट अभी भी 96 पे ही अटका हुआ है, उसके नीचे गया नहीं है, 2 हफ्ते हो गए हैं, और उसका कारण कुछ और हो सकता है। तो वही बात है कि भाई वेट कम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो पता नहीं, तो एक्सरसाइज के रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और थोड़े से इसमें भी चेंज करना पड़ेगा खाने में। क्या है, पिछले हफ्ते 1 हफ्ते पहले चिकन और ये अपना क्या ज़्यादा हो गया था, आप लोग ने देखा चाइनीज़ वीनीज़, तो
आई थिंक उसके वजह से वेट कंसिडर नीचे उतरा नहीं, तो वो जो कैलोरीज थी वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाई, इसका मतलब ये है। तो अभी उसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद देखते हैं क्या वेट है। अभी तो फ़िलहाल तो 96 है, जो मैं लास्ट व्लॉग में डाला था वो अभी भी 96 ही है। अब चेक कर लेते अपन, चलो। ये अभी स्केल ले लिया है, उसको चेक करते हैं नीचे रख के अपना वेट कितना है। एक मिनट खड़ा हो जाता हूँ, देखो दिखेगा। ये मैंने कैमरा वैमरा सब पकड़ा हुआ है। एकड़े एक मिनट पर ये पकड़ खाली खाली। चलो परी का भी देख लेते, परी का वेट क्या है। 20 15 ओहो। अभी रख देते हैं। स्केल लेने का फायदा रहता है, स्केल रहेगा यहाँ से आवाज जाएगा। तो स्केल होने से अपने को फायदा रहता है, पता तो चले भाई अपना वेट क्या है, मतलब डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अप हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, समझना तो चाहिए। तो इसमें ये बहुत सारा हेल्प करता है यार अपने को। ये अगर देखोगे आप कि आपको मैनेज करना है तो आपको अपना वेट क्या है वो पता रहना चाहिए, बढ़ रहा है घट रहा है वो तो समझ में आएगा। और ये एनालॉग वाला मैंने लिया क्यों मालूम है क्या, ये जो स्केल है वो इसको बैटरी है और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अप्रॉक्स बता देगा, ऐसा नहीं कि एकदम कितना है, एकदम एक्यूरेट बताएगा। एक्यूरेट तो वो डिजिटल वाले हैं, उसमें पता चलता है एक्यूरेट कितना वेट है, कितना बड़ा कितना कम हुआ है, मतलब ग्राम भी नहीं क्या, 1 ग्राम 2 ग्राम वो सब दिखाएगा उसमें। लेकिन अपने लिए यही सही है, जो अपने बजट में पड़ा था अपन ले लिया, ऐसा ज़्यादा महंगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी समझ जाओ। और देखते हैं आज के दिन भर में अपने को जो जो काम कंप्लीट करने का उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिसाइड्स दैट के और एक कोलैब रैप का भी अपना काम जो है वो करने का है अपने को, लेकिन इतनी जल्दी उसके बारे में नहीं बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, उसको भी बोलेंगे, उसका टाइम आएगा तो उसके बारे में भी बताऊँगा मैं। तब तक आप पिछले वाले जो गाने हैं मेरे वो जाके ज़रा चेकआउट करो। चलो अभी खाना वीना खा लेते, खाना नहीं खाया अभी, बज रहे कुछ दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये देखो दिखा देगा, मतलब 3 बजने आए हैं, तो खाना खाने का टाइम। ये इसलिए क्योंकि जो सो के उठने के बाद वाला आपका जो 12 घंटे का एक टाइमिंग होता है उसको आपको मैनेज करना रहता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं जिसको। वैसे तो उठने के बाद 1-2 घंटे के अंदर आपको हेल्दी बोलते हैं जो खाना खाना चाहिए, मतलब वेट लॉस हो या ना हो, गेन हो या ना हो, लेकिन दैट इज़ द राइट टाइम टू ईट। क्योंकि सवेरे उठने के बाद सबसे ज़्यादा अपनी जो भूख होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने बीच में सोए हैं, गैप लिया है, तो इसकी वजह से वो अपने बॉडी को जो खाना खाएंगे हम लोग वो ज़्यादा नरिश्ड भी करता है, तो ये बात भी है। चलो क्या ज़्यादा कुछ नहीं बना अपना, ये दाल चावल सब्जी रोटी यही है, दिन में चावल रात में नहीं, वही सेम रूटीन। तो मतलब अपने को ये दिखा के भाई एटलीस्ट 3-4 केजी तो वेट डाउन हुआ, अभी आगे भी करेंगे उसके लिए और थोड़ा क्या बोलते हैं इंटेंस वर्कआउट और थोड़ा सा वॉकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। मेनली अगर मैं कहूँ तो वॉकिंग से ही मेरा वेट ज़्यादातर लॉस हुआ है। बाकी रही बात इसकी कि आपको मतलब एकदम बॉडी शेप में लानी है, वो सारी चीज़ें, जिम जाना है, ये सब करना है, तो जिम जाके भी बॉडी शेप में आती है, लेकिन उसके लिए जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से वज़न आता है,
जो नहीं चाहिए अपने को, अपनी एक प्रॉपर, जो मेरा एक नॉर्मल स्केल है BMI के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, वो 75-70 के आसपास मेरा वेट होना चाहिए। तो इतना करने के बाद में आप जब ये ट्राई करते हो बॉडी को ये करना, शेप करना स्टार्ट करते हो, तो दैट गोज रियली गुड विथ योर बॉडी, बॉडी पे स्ट्रेन नहीं आता है, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं खाना वीना लेके खा लेता हूँ, मिलते हैं आपको खाने के बाद। हेलो, और ये अभी शूट टाइम हो रहा है अपना, अभी जा रहे हैं अपन शूट करने के लिए एक लोकेशन पे। शाम के बज रहे अभी 7:30 और जाएंगे अभी शूट करेंगे, 2-3 घंटा शूट होएगा आउटडोर, और फिर वापस आऊँगा, थोड़ा बहुत BTS डाल दूँगा, आप लोग देख लेना जैसे मैंने बोला था कि BTS डालूँगा। चलो, तो हम लोग आ तो गए शूट के लोकेशन पे, लेकिन बहुत बड़ा स्कैम हो गया हम लोग के साथ। हुआ ये कि बारिश चालू हो गई, ये देखो दिख रहा है पानी गिर रहा है, देखो देखो देखो, अभी बारिश में कैमरा ख़राब नहीं होएगा, इसके लिए शूट ऐसा हालत कैंसिल करना पड़ रहा है। इंडोर जो है, इंडोर शूट कर लेंगे हम लोग, अभी क्या बोलूँ, सोचा इतनी था मुश्किल के बाद तो आए थे हम लोग, सोचा था कुछ करेंगे लेकिन कुछ करने मिला नहीं, और ऐसा हालत है अभी कि शूट तो होगा नहीं ऐसा लिटरली। देखो ये देखो रोड पे ये दिख रहा है तुमको, बूंदे दिख रही है क्या, बारिश हो रही है, बारिश क्योंकि ये थोड़ा सोच हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये गाने को सोच जनवरी में बारिश, थोड़ा नाइट वाला शूट लेने के सोच रहे थे हम लोग, ट्राई कर रहे थे सुयोग के नया गाने के लिए, तो वो हिसाब से हम लोग रात में आए थे शूट करने के लिए। मेरा तो ऐसा दिमाग हट गया ना अभी, क्या बोले तुमको सही में यार, मस्त रवा विवा खा के निकले थे सब पोपट हो गया भाई, ये काम से आया, काम के आने के बाद डायरेक्ट बोला था हम लोग जाएंगे, लेकिन मैं बोला नहीं घर पे जाते हैं, तेरा सामान वामान रख जो भी है, बैग भी और वो रख के फिर हम लोग निकलते हैं। गए घर पे, बैठे थोड़ा देर, और अभी आ रहे तो बारिश हो रही है, क्या फालतू गिरी। चलो अभी इंडोर शूट लेते हैं, अभी क्या करना पड़ेगा वही करना पड़ेगा।